हाँ आप सब कैसे हो? आप लोग भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ये मेरे हस्बैंड के ब्लॉग के थे, वो बर्थडे वाले ब्लॉग। हम लोग अभी रात को जा रहे हैं बाहर इन मोमो को लेके, तो ओके बने रहेगा हमारे ब्लॉग पर। मेरा लुक्स कैसा लग रहा है माय यूट्यूब फैमिली बताइएगा, और मेरे मोमो को कैसा लग रहा है ना मोमो भाई? हाँ मुझे तो लॉन्ग पेन बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है ना। चलिए अब मेरे ब्लॉग को बने रहिएगा। ओके अब आप लोग से मिलती हूँ। जिक गए हैं वीआईपी होटल, क्योंकि मोमो का फेवरेट होटल है ये होटल वीआईपी। तो हम लोग यहाँ खाएंगे। ऐसे है बाहर की व्यू नज़ारा। तो यहाँ ऐसे पार्किंग वगैरह रखी हुई है गाड़ी वगैरह। हमारे बाइक वहाँ है, तो मेरे हस्बैंड और मोमो वहाँ है और आदमी आ रहे हैं। देखिए ये है लुक्स बाहर की वीआईपी होटल। आप सबको कैसा लगा बताइएगा। मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही। देखिए यहाँ बार भी है, सब कुछ है। आपको अंदर की लुक्स दिखाऊंगी, मेरे ब्लॉग पर बने रहेगा। बेबी से हाय बोल दो। मोमो, मोमो ने देखो मेरा पर्स लिया है, कितना अच्छा बेटा है ना। मेरा मोमो बहुत ही अच्छा है, मुझे शूट कर रहा था, मुझे पर्स दे दो मम्मा बोले। ये है एंट्री। तो यहाँ पूरा डिम लाइट से बहुत अच्छे से थे, अंदर भी व्यू पर लाइट नहीं थे, तो बाहर के लुक्स कितने अच्छे लग रहे हैं माय यूट्यूब फैमिली। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड वहाँ बात कर रहे थे मोमो वो दोनों गार्ड से। तो ये देखिए कितने सुंदर से बाहर इतना अच्छा लग रहा है, ये स्टेचू भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जाके, मोमो ने बहुत ही इंजॉय किया। तो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था, और यहाँ पूरा डेकोरेशन करके रखे हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहे थे देख के। और यहाँ पूरा पानी भी जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर म्यूज़िक बज रहा था, मेरे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ये रेस्टोरेंट एंट है इनका नाम। तो अंदर में भी थे आदमी बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर साइड में भी थे फैमिली लोग, लेकिन वहाँ लाइटिंग नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे डिम लाइट्स में। तो डिनर करना, अल्लाह डिनर करना कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ हम लोग बैठेंगे सोचा था, पर यहाँ नहीं, मोमो ने हम लोग ने कहा ऊपर ही जाएंगे, ऊपर बैठेंगे। तो ऊपर चले गए हम लोग बैठने के लिए, तो ऊपर भी बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ का माहौल बहुत, यहाँ की म्यूज़िक इतने अच्छे अच्छे बज रहे थे ना, मेलोडी सॉन्ग वगैरह लोग, तो बहुत ही अच्छा। लेकिन उस दिन मेरे, उस बार मेरे को आ गए थे कॉपीराइट, तो मैंने सोचा म्यूज़िक को ऑफ कर दूँ। तो मैं अभी को वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। मोमो और उनके पापा वहाँ, वो आदमी जो रेस्टोरेंट के जो थे वो दिखा के लेके जा रहे थे। तो यहाँ पूरा लाइटिंग नहीं था, सिर्फ ड्रीम लाइट, बहुत ही अच्छा लग रहे थे। तो अभी मोमो अंदर, और ये प्लांट तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, नेचुरल नहीं था लेकिन वो आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल उनसे भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे देख के। मुझे तो बहुत ही पसंद आया है ये प्लांट वगैरह देख के। तो यहाँ साइड में टॉयलेट बाथरूम वगैरह थे, तो हम लोग ने जाके वहाँ पर, यहाँ भी फुल सब आर्टिफिशियल, वो मतलब नेचुरल नहीं थे। तो बहुत ही, उस तरफ भी फैमिली थे बैठ रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे, इनका पापा ने बोला यहीं बैठेंगे, मोमो उनका पापा बैठ के बात कर रहे। यहाँ के देखे फ़ोटो वगैरह बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ बार भी थे पीछे साइड, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने भी थोड़े से लिए थे बियर, तो उनका बर्थडे था तो लेना तो था ही, पीते हैं।
तो मुझे, मैं मना नहीं करती हूँ पीने चीज़ को, कभी कभार पीते हैं ना, कभी कभार पीने से कुछ नहीं। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैं आप लोग से और दोबारा शेयर कर रही थी। ये प्लांट को देख के बहुत ही दिल खुश हो रहा था, तो अच्छा भी लग रहा था इनको देख के। तो वहाँ वो डीजे वगैरह पूरा गाना वगैरह बज रहे थे, तो यहाँ मेरे हस्बैंड, हम लोग ने ऑर्डर कर लिया था, वो फिर रिपीट से देख रहे थे। और यहाँ ऐसा था कि मतलब वो मटन नहीं था, सिर्फ चिकन के थे यार, चिकन और फिश। अकेला अकेला मोमो के लिए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मोमो को वही जाना है, वहाँ ज़्यादा चिकन ही मिलते, तो मोमो सब चिकन के आइटम थे। तो हम लोग ने चिकन, हमारे स्टार सर्स भी आ चुके थे, तो मेरे हस्बैंड ले रहे थे, ये मोमो के चिकन फ्राई थे और चिकन लीवर्स वगैरह होते थे, तो वो इंजॉय कर रहे थे। वो मुझे बोला था मत करो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आज आपका बर्थडे है तो ले सकते हैं आप लोग। तो ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न थे और वो मटर वगैरह थे। तो मेरे हस्बैंड ये ले रहे थे बियर, बोम सुपर स्ट्रॉन्ग, ये पी रहे थे वो। तो वो बोला था शूट मत करो, बोला, मैंने बोला कुछ नहीं, आज आपका दिन है, आप ले लो, ले सकते हैं आराम से, कुछ नहीं, यूट्यूब फैमिली कुछ नहीं कहेंगे। वो थोड़ा शर्म भी कर रहे थे, क्योंकि आंटी अंकल कहीं देखते हैं ना, आजकल तो सब लेते हैं, हार्ट नहीं है, शौफ ही है, शौफ चीज़ तो लिया जा सकता है, हार्ट वगैरह नहीं। ऐसे तो लेते मेरा हस्बैंड कभी ओकेजन में हो या कुछ में हो, ऐसा में लेना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, तो मैं मना। ये थे चिली फिश, मैं फिश, मैंने फिश मंगवाया, मुझे चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये था चिकन कोसा और ये चाउमीन, मेरे हस्बैंड ने बोला, हम लोग ने ज़्यादा राइस ले लिया, वन बॉल लाना था, क्योंकि मम्मी भी सोच रही थी, और मैं तो रात को खाती नहीं है, तो सोच रही थी हल्के से लूँगी, तो हस्बैंड ने कहा था आज तो लेना चाहिए, तो राइस हमने सोचा थोड़ा थोड़ा, और टू बॉल्स लाए थे, लेकिन वो नहीं खा पाए हम लोग। हमारे लंच डिनर के टाइम थे, तो मेरे हस्बैंड देखिए वो सोच रहा शूट कर रहे, बल्कि वो ऐसे मुंह में रख के रख रहे थे, तो वो चाउमीन खा रहे थे, तो मैं भी चाउमीन खाई, लेकिन खाना लास्ट में हम लोग को वेस्ट हो गया, वेस्ट तो नहीं, उसको फिर हम लोग ला के, आज मैंने मेरे घर में जो पानी देने आते हैं ना, तो कल कोई तो मिला नहीं, पानी देने आते थे, तो उनको मैंने कहा, उन्होंने दे दिया बेचारा, उन्होंने खा लिया, मतलब मैं खाऊँगा, मैंने उसको पूछा आप खाएँगे, इसमें कुछ ख़राबी नहीं हुआ, तो उन्होंने खाया। और चिकन तो मैं, हम लोग खाते नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी सिर्फ दो पीस लिए थे होंगे, और मोमो ने भी एक ही पीस, तो मैं तो फिश के साथ थोड़ी सी खाई, इतने क्योंकि बहुत ज़्यादा थे हम लोग के साथ, इतना ज़्यादा नहीं खा पा रहे थे। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। उस दिन आप लोगों ने बहुत सारा ब्लेसिंग किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ बहुत सॉन्ग बज रहे थे ना, इसके चलते मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का लुक्स ऐसा है रेस्टोरेंट की, बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरे हस्बैंड के पार्टी के थे, हम लोग तीनों ही थे फैमिली, और किसी को बुलाए नहीं, तो हम तीनों ही इंजॉय किए। मेरे हस्बैंड मोमो को खाना सर्व कर रहे थे, दे रहे थे, तो मैं शूट कर रही थी, तो हम शूट करना था हम दोनों का, मतलब दिखा के, क्योंकि वहाँ ड्रीम में मेरा सकल अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा था ना, तो मैंने सोचा मैं ऐसे हिंदी, ये अंकल जी जो आके, मेरे भैया जी आके मोमो को बहुत छू रहे थे, देख रहे थे, तो उनको पापा बोल रहे थे ये ऐसे मोबाइल मिलने से, ओके देन बाय बाय माय यूट्यूब लव।